माइंड फिक्स करता है। बट बाकी तो बहुत सारे शेप्स हैं, आपके यहाँ एक रेक्टेंगुलर है और सिलेंड्रिकल क्यूबॉइड हो गया, आपको गोल हो गया, और ट्रेपेज़ियम भी नहीं रखा होगा। वार्सी में तो बहुत सारे फिगर थे यहाँ पर, वहाँ में ज़्यादा ऐसे थे। अच्छा, हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमारा ध्यान अगर जा रहा है तो उसको ऐसे दे सकते हैं कि आप एक अपनी लाइफ का एक पूरा कार्ड को ले गए, इधर ध्यान गया, इधर ध्यान गया, कोई डिस्ट्रैक्शन हुआ तो हमारा ध्यान छूट गया, तो हमने अपना अपनी जिंदगी का एक हिस्सा हमने उसको दे दिया। ऐसा आप सोचते चलेंगे तो बहुत ध्यान से रखें कि अरे मेरी जिंदगी का हिस्सा चला है, मतलब ये आपको मेरी टेक्निक बता रही हूँ कि आप अपने ध्यान को ऐसे बचा सकते हैं। अगर आपका ध्यान बार बार टूट रहा है तो मतलब आपकी शक्ति कम हो रही है, आप अपनी शक्ति को बचाएं और अपने ध्यान को टूटने मत दें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करें। अच्छा, कौन कौन आप किताबें पढ़ते हैं? किताब पढ़ते हैं, मेरा काम है किताब पढ़ना, बहुत ज़्यादा टेंशन वाला काम है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है। आपको तो पूरा पढ़ने के लिए मोबाइल ही मोबाइल पढ़ेगा नहीं, जो तो आप जल्दी जल्दी उसको कॉल करके देखेंगे, लेकिन किताब से पढ़ना मतलब बड़ा ध्यान से, क्योंकि टाइम में आप चाहते हो आप रिवाइंड कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, लाइन बाय लाइन आपको करना है। तो यही फोकस रहेगा बिना सीख के आप किताब से पढ़ना सीखें, या आप एक लाइन का चाहेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी, इससे आप पढ़ेंगे। कौन किस चीज से बना होता है, कौन से एलिमेंट से बना होता है?
जगा लो अंधेरा
कोई भी कार्यक्रम तभी हमारा जिसको कहते सफलता संपन्न होता है, बाबा और मम्मा तो हमारे साथ है ही, दादियों की ब्लेसिंग है ही, लेकिन हमारे बीच बाबा ने कुछ बड़े रख रखे हैं, उनकी ब्लेसिंग के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो अभी हमें दीदी ब्लेसिंग देंगी, ये ट्रेनिंग हमारी हमें एडिक्शन मुक्त करे और हम सभी हो पाए और जो भी सोशल मीडिया है वो सबसे मुक्त हो, बाबा के समान फरिश्ते वन वतन में जल्दी ही जाए। ओम शांति। अभी दीदी से सुने। ओम शांति। यहाँ पर ये उनका कह रही है वो भी बात चाहती है कि आप सबको भी मिले, इसमें कितना अच्छा होगा, आप सब इसमें बाबा के मन जाएंगे और जो वहाँ भी कह रहे हैं वो भी सिखाएंगे। अच्छा और शांति। हमारे लिए
एक बॉडी के थिंग्स को जो हमारी बॉडी से निकलेंगे वो ऑटोमेटिक होता जाएगा जी। तो हैबिट क्या है? हमारा लर्न बिहेवियर और डेडिकेटेड एक्शंस। और शॉर्ट में समझेंगे, हमने समझ लिया उस बिहेवियर को अपने, लेकिन वो क्या हमारा रिपीटेडली हो रहा है। और एडिक्शन हम हैबिट पता चलेंगे, हैबिट और एडिक्शन। एडिक्शन क्या होता है? कहते हैं कोई ज्यादा ड्रिंक कर रहा है या ज्यादा इसको एडिक्टेड है, ये क्या हो गई थी एडिक्टेड है। तो एडिक्शन क्या है जी? हाँ इनको आईटी से एडिक्टेड वो एडिक्शन, जैसे कि किसी चीज को यदि कोई व्यक्ति चाय पीता है तो चाय पीने से ज्यादा ज्यादा आदत पड़ जाती है, वो एडिक्टिव हो जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं किसी को ड्रग लेने की आदत पड़ गई, पहले तो नींद की एडिक्टिव नींद थी, वैसे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, नींद की एडिक्टिव लेता है, जी लेता है, डी की वन, फिर बाद में हफ्ते में दो लेगा, फिर डेली लेगा, वो होता है एडिक्शन। हाथ उठाएंगे जो लोग 10 बजे तक जिन्होंने नियम बना लिया है
चले जाकर जल्दी कभी पूछा, बाबा तो कहते दस माना बस हमारी गाड़ी 10 बजे स्टॉप हो रही है मोबाइल से आप उठाएंगे आगे आके आ जाए तो पीछे आ रहे हम क्या दस और कौन कौन दस की भी बात चलाते हैं दस की बात तो ये भी है कोई ऑफिशियल वर्क है कोई जरूरी इम्पोर्टेंट काम है वो माना नहीं है लेकिन फिर भी कुछ हमारे के रूल्स है हम यदि कल ही रात उठना चाहते हैं तो उसके लिए हमें स्क्रीन टाइम अपना एटलीस्ट 9 बजे भी नहीं कर पा रहे तो 10 बजे स्क्रीन टाइम हमें बिल्कुल भी नहीं देना अभी श्वेता बहन ने भी बताया था हाउ मच कैलोरी कंज्यूम बाय यू इन अ सिंगल डे हाँ 1 मिनट चलाते हैं तो कितनी कैलोरी 1 कैलोरी और अभी अपना एक डिजिटल बैंकिंग ऐप भी होता है मोबाइल में उससे आप अपना स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हैं सभी के फोन में होता है नहीं है तो प्ले स्टोर पे ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं डिजिटल वेलबीइंग उससे आप अपना रोज रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम चेक कर सकते हैं कि मैं कितना देर स्क्रीन पर रहा क्योंकि धीरे धीरे करके स्क्रीन टाइम हमें कम करके जाना है ऐसे व्हाट्सएप कौन कौन चलाते हैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम सबसे ज्यादा व्हाट्सएप वाले हाथ उठाए कि सबसे ज्यादा टाइम अपना व्हाट्सएप पे देते हैं ओके और टेलीग्राम नहीं है इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम वाले भी यूट्यूब मूवीज के लिए नेटफ्लिक्स मूवीज के लिए अमेजोन प्राइम वीडियो मूवीज के लिए नहीं देते व्हाट्सएप वाले ही ज्यादा सभी पॉपुलर है व्हाट्सएप तो एक बहुत छोटा सा ट्रिक आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आज से अभी से अपने व्हाट्सएप को लॉक लगाएंगे माना कोई भी ऐसा पैटर्न सेट करेंगे या लंबा सा पासवर्ड क्या आई हेट व्हाट्सएप कुछ ऐसा करके हैश वगैरह उसमें ऐड करके जब जब आपको व्हाट्सएप खोलना पड़े तो इतना लंबा पासवर्ड डालना पड़े ये क्यों शेयर किया जा रहा है सिर्फ जब चीज कोई सहज होती है हाँ एडिक्टिविटी कोई भी एडिक्शन कैसे फेमस हुई है चाहे हम डिजिटल एडिक्शन कहें चाहे नॉर्मल लाइफ में जो भी ड्रिंकिंग या कोई भी पान मसाला जो भी एडिक्शन पॉपुलर है उनका कारण है उनकी सहज उपलब्धता आज हम सबको घर में सहज की मोबाइल फोन और खासकर मोबाइल फोन भी हम नहीं चलाते जिसमें इंटरनेट नहीं होता इंटरनेट के यदि 3 प्लान के अंडर नहीं होता तो भी हम इंटरनेट पहले भी कॉलिंग होती थी पहले भी नेट तो सहज उपलब्धता तो हमें भी यदि इंटरनेट की प्राइस हमें लगता है हम कोई प्राइस भी पे कर रहे Right.
और भी बताएंगे इसमें कुछ एड ऑन करेंगे। सबसे ज्यादा हम अपने समय को समय हाँ ये पॉइंट जो निकल के आया है यही इसका जो भी सबसे ज्यादा टाइम इज मनी समय सबसे ज्यादा। और जब भी हम कुछ देख रहे हैं तो हमें वो कंपनी कैसे नहीं दिखा रही ये पूरा उनका ट्रैक है जिसको कहते एडवर्टाइजमेंट चल रही है और उनका बेनिफिट उनका बिजनेस उनका इनकम वो सोर्स है। जितनी भी देर हम स्क्रीन टाइम पर रहते हैं और जो जो एड प्ले होते हैं जो भी साइट से वीडियो एडवर्टाइजमेंट उन सबका उनको पेमेंट हो रहा है जी। हमारे जो मूड है जो इफेक्ट्स है आज केवल एक ही कवर होगा वो है आपका डोपामाइन। ममता बहन अच्छे से जानती हैं, डॉक्टर ममता बहन भी हमारे बीच में बैठी हुई है, हाथ हिला देंगे डोपामाइन। हाँ, क्योंकि सब फील्ड एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हम बिना एक दूसरे से जुड़े हुए क्योंकि हम जब भी मोबाइल चलाते हैं आपको लगता है आपकी आंखों में इफेक्ट आता है ना। हाँ, दूसरा आपको लगता है आपका अटेंशन जो अभी बोला था रिंग बजी या किसी ने आपको कॉल किया और आपने अपना काम छोड़कर उनका कॉल अटेंड किया और वापस आपको उसमें फोकस होने में कितना मिनट लगता है। हाँ, 23 मिनट्स अभी सुना ना। तो अभी डोपामाइन क्या है, आपका बॉडी में जो भी इफेक्ट आ रहा है, प्लेजर हो रहा है कभी फीलिंग कभी मूड
बहुत अच्छा हो रहा है उस समय माना डोपामाइन का लेवल जो है वो ओके है। जब हम सोशल होते हैं अपने रिलेशनशिप में, मोबाइल वाले नहीं, सोशल मीडिया वाले नहीं, जब हम फिज़िकली सोशल रहते हैं अपने रिलेशनशिप में, तो भी डोपामाइन हमारा ठीक रहता है। और जब हम स्क्रीन टाइम दे रहे होते हैं तो ये सब जो हमारा डोपामाइन है उस समय इसका लेवल बहुत कम होता जाता है, तो हमारे मूड पर भी इफ़ेक्ट आता है। जो आजकल हम डिसीजेस सुन रहे हैं, सिज़ोफ्रेनिया और कौन सा है, बाइपोलर, नेक्स्ट है इसमें अटेंशन डिफिशिट, डोपामाइन की वजह से ये हमारे ब्रेन में डिस्टर्बेंस होता है और ये सब डिसीजेस होती हैं। आप हाँ, अच्छा जी हाँ, अटेंशन डिफिशियंसी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हो रही है वो हमारा हार्मोन डिस्टरबेंस के कारण हो रही है। वो डिस्टर्ब क्यों हो रहे हैं, कभी सोचा है? एक तो उम्र के बाद होते हैं कि उम्र हो गई, फिर थोड़ा सा हमें पार्किंसन प्रॉब्लम हो रहा है या कोई और अल्जाइमर कोई भी डिसीज़ हो रही है, भूलने की बीमारी हो रही है, उस समय सही है। लेकिन आज यदि हम गौर करें, एक मैथमेटिक्स कहते हैं 197 मल्टीप्लाई 297 कितना देर लगेगा, हाँ? कुछ लोग तो करने का प्लान भी नहीं बना रहे क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल है, उससे कैलकुलेट करके बता देंगे, है ना। हम सब कहीं ना कहीं क्या हो गए हैं, मेमोरी लॉस हो रहा है, लग रहा है पुराने लोगों की हमसे ज़्यादा अच्छी याददाश्त थी, सबके फ़ोन नंबर याद थे, एड्रेस याद थे, चाची काका मामा नाम तक सबका रिलेशन, और उनका मैथमेटिक्स अच्छा था या आज हमारा मैथमेटिक्स अच्छा है, उनका या हमारा, हाथ उठाएं, उनका था या हमारा। हाँ, इंजीनियर भी बैठे हैं, डॉक्टर भी बैठे हैं, यूथ स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, और किनका अच्छा है, उनका ज़्यादा अच्छा था। सीरियसली एक लास्ट है ये, उनका सब कुछ हमसे ज़्यादा अच्छा था, और उसका कारण क्या था, दे ऑल आर सोशल इन देयर रिलेशनशिप, और आज हम सभी मोबाइल के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं या लोगों के साथ, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घर में भी है, कभी कभी तो खाना खा रहे होते हैं और खाना खाते में भी मोबाइल देखकर ही, छोटे छोटे बच्चे जैसे ही उन्हें फीडिंग की जाएगी, कुछ भी दिया जाएगा और वो कहेंगे मोबाइल चलाओ कभी मैं, और मम्मी क्या करती है, उनकी क्या करती है, मोबाइल चलाओ तो खा लेगा, लेकिन एक्चुअल में वो हमारा माइंडफुल ईटिंग नहीं है। माइंडफुल ईटिंग कब होता है, व्हेन ऑल वी आर फोकस ऑन अवर फूड, फूड कलर, फूड टेस्ट, फूड वैरायटी, तब वो माइंडफुल ईटिंग है। ठीक है, तो अभी टाइम पूरा हुआ, अभी आप सब बाबा की याद में बैठेंगे, आगे भी सेशन चलेगा, एवरी संडे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज होगी और सभी को इसमें मौका भी मिलेगा, सभी पार्टिसिपेट करेंगे और कोई टॉपिक्स जो भी तैयार करना चाहते हैं वो अपना नाम नोट करा देंगे। सपना बहन भी थोड़ा लेट आई हैं, सपना बहन भी इसमें अपनी सेवाएं देंगी, और मेघा बहन, दिव्य भाई और श्वेता बहन और विभूत भाई जी, बाकी हमारा टीम छोटा तो है लेकिन बाबा कहते 5 पांडव कमाल कर सकते हैं, हम तो 5 से भी ज़्यादा हैं। तो हमें पूरे आगरा में जितने भी कॉलेजेस हैं, कोई अभी यहाँ एक प्रोजेक्ट भी शुरू होने वाला है आईटी हब, वहाँ भी हमें ये शुरू करना है, सब जगह हमें ये लोगों को एडिक्शन फ्री बनाना है, लेकिन उससे पहले खुद अपनी तैयारी इन्हीं सेशन के माध्यम से करनी है। थैंक यू, ओम शांति।